फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज मैं अपना जो फेस मास्क है वो कैसे घर में बनाती हूँ वो मैं आज आपको बताऊँगी। देखिए, यहाँ पर ये क्लोथ पोलोथीन जो आती है उससे हम फेस मास्क तैयार करेंगे। और अभी जो मार्केट में बहुत महंगे महंगे मिल रहे हैं और आप घर में फ्री ऑफ कॉस्ट इसको बना सकते हैं। और देखिए, आप यहाँ पर मैंने पोलोथीन के कुछ पीसेस काट लिए हैं। ये क्लोथ पोलोथीन जो अभी चल रही हैं वो लेनी है आपको, प्लास्टिक वाली पोलोथीन नहीं लेनी है। तो देखिए, कुछ टुकड़े मैंने जो है इस पोलोथीन में से काट लिए हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं 3-4 मास्क एक साथ बनाऊंगी। तो देखिए, यहाँ पर मैंने 3 पीसेस ले लिए हैं। तो एक तैयार करके बता देती हूँ मैं आपको किस तरीके से बनाना है। तो ये जो साइज़ लिया है ये कोई मैंने मेज़र करके नहीं लिया है, नापा नहीं है, ये अपने फेस के अंदाजे से मैंने लिया है। और देखिए, ये जो किनारी वाला साइड है पॉलीथिन का ये मैंने लिया है, और दूसरी साइड जो ये कट वाला है इसको हमें उल्टा करके सील लेना है जिससे कि फ्रंट साइड में सीधे पासे जो है फिनिशिंग आ सके। यहाँ पर मैं दूसरे कलर के थ्रेड का यूज़ कर रही हूँ जिससे कि मैं आपको आसानी से समझा पाऊँ, दिखा पाऊँ, ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ पर इसको मैंने हाथों से सिल लिया, आप मशीन से भी सिल सकते हैं। तो सिलने के बाद इसको सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद जो दोनों खुले हुए किनारे हैं वहाँ पर आपको मोटी मोटी सिलाई करनी है। देखिए, कुछ इस तरीके से आपको सिलाई करनी है। आपने अभी काफ़ी चैनल्स पे देखा होगा कि वो पट्टी तैयार करते हैं तो थोड़ा सा उसमें डिफ़िकल्टी आती है जिनको सिलाई करना नहीं आता है। तो कुछ इस तरीके से भी आप वो चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको आज एक साधारण सा तरीका बताऊंगी कि किस तरीके से आप मास्क बना सकते हैं। तो आपको ये कुछ इस तरीके से मोटी मोटी सिलाई कर लेनी है और कुछ इस तरीके से आप साइड्स में पट्टियाँ क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर अब आपको जो है गांठ लगा देनी है जिससे कि ये खुले ना। और ये देखिए, ये हो गया है। अब एक्स्ट्रा जो थ्रेड है उसको कट कर देंगे और मैं आपको दिखाऊंगी कितना सुंदर साइड से पट्टियाँ बन गई हैं। ये देखिए, बहुत ही आसान तरीका है ऐसे बनाने का मास्क। इसे घर के छोटे बच्चे भी बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से ये बन जाता है। और देखिए, अच्छा खासा स्पेस है इसमें और ये पूरा आपकी आँख के नीचे जो जितना एरिया होता है उसको पूरा कवर कर देगा। आप देखिए, यहाँ पे मैं पॉलीथीन से एक साइड का पीस कट करा है और अब इससे हम थोड़ी सी फिनिशिंग देंगे इसको। और कुछ इस तरीके से पट्टी आपको लगानी है। ये मेथड आप देख लें, इस तरीके से आप इसको अपने मास्क को जो है फिनिशिंग दे सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं। और साइड पट्टी के लिए आप फ्लोर पर इसको रख कर कुछ इस तरीके से सेट कर लें। और ये काम आप फ्लोर पे रख कर भी कर सकते हैं। देखिए, कुछ इस तरीके से अभी आपको सिलने का तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, आपको जो है सीधे पासे जो सीधा तरफ है उधर आपको फिनिशिंग रखते हुए और सिलाई करनी है आपको। देखिए, ये जो सीधा साइड है आपका, इधर से आपको बिल्कुल थोड़ा सा थ्रेड दिखाना है और जितना ज़्यादा थ्रेड आपको दिखाना है वो आप उल्टी तरफ दिखा सकते हैं। देखिए, कुछ इस तरीके से। जो माताएं बहनें सिलाई करना जानती हैं वो तो बहुत आसानी से समझ जाती हैं, लेकिन जिनको थोड़ा सा मुश्किल आता है सिलाई करने में उनको थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन मास्क बनाना उतना भी मुश्किल नहीं है। मार्केट में तो बहुत महंगे महंगे मास्क मिल रहे हैं, सैनिटाइजर्स मिल रहे हैं, लेकिन घर में आप कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। देखिए, एक साइड हो गई है बिल्कुल तैयार। इसी तरीके से आपको दूसरी साइड तैयार कर लेनी है। और लीजिए, ये दोनों साइड हो गई हैं तैयार, बहुत फिनिशिंग से ये बना है और अच्छा खासा बीच में स्पेस है। और इसको लगाने के बाद बहुत आसानी से ये लग जाता है और काफ़ी टाइम तक आप इसको लगा सकते हैं, दिक्कत नहीं आती है। और देखिए, जो मैंने जो पॉलीथीन का हैंडल काटा था उसके बीच में से मैं कट कर लेती हूँ क्योंकि ये थोड़ा हार्ड पार्ट होता है। तो इससे जो है हमारे जो कानों पर होल्ड करने के लिए हम पट्टियाँ बना सकते हैं। देखिए, दो मैंने इनको कट कर लिया है दो पार्ट में। तो इन दो पट्टियों से आप अपने कानों पर होल्ड करने के लिए पट्टियाँ तैयार कर सकते हैं। देखिए, कुछ इस तरीके से। और बहुत ही अच्छा ऐसा लगेगा आप लगा कर रखेंगे तो कि आपने मार्केट से ख़रीदा है। और बस आपको इनको अच्छे से सिल लेना है। आप जिस कलर का पॉलीथीन ले रहे हैं उस कलर का थ्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने अदर कलर का थ्रेड लिया हुआ है जिससे कि मैं आपको आसानी से समझा पाऊँ। तो देखिए, यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से स्टिच करना है। जो फ्रंट साइड है वहाँ पर थ्रेड आपका बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए, और बिल्कुल अगर थ्रेड दिख भी रहा है तो बिल्कुल बारीक आपको वहाँ से सिलाई करनी है कुछ इस तरीके से,
जिससे कि जो फ्रंट साइड है वो खराब ना लगे, और अच्छे से मजबूती से आपको इसको अटैच करना है, क्योंकि ये मास्क को टिकाऊ रखने के लिए, आपके फेस पर टिके रहने के लिए यही पार्ट जो है मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस अगर आपका वाइट कलर का थ्रेड होगा तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। यहाँ पर मैं थोड़ा अदर कलर आपको दिखाने के लिए यूज़ कर रही हूँ, और अच्छे से इसको मजबूत कर देना है। तो फ्रेंड्स, मास्क हो गया बिल्कुल तैयार। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और सभी से शेयर करिए, माताओं से, बहनों से, जो कि वो घर में मास्क तैयार कर सके कुछ इस तरीके से, आसानी से और बढ़िया तरीके से। तो चलिए मैं आपको अब पहन कर दिखा देती हूँ कि किस तरीके से ये मास्क मैंने तैयार करा है।